आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एक अच्छी क्लाउड स्टोरेज को कैसे चुन सकते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और यहाँ पर मैं आप लोगों को हेल्प करता हूँ एक बेटर सॉफ्टवेयर परचेजिंग डिसीजन लेने के लिए। रिसेंटली मैंने अपना एक वीडियो बनाया था क्लाउड स्टोरेज के ऊपर, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था क्लाउड स्टोरेज के बारे में। एंड मैं अभी एक वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा हूँ जो कि है बेस्ट क्लाउड स्टोरेज ऑप्शंस इन इंडिया। अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो वो आप लोग नीचे मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो उस वीडियो के लिए मैं जो मेन फैक्टर्स पे ध्यान दे रहा हूँ आज मैं उसकी बात करूंगा। एंड इन मेन फैक्टर्स के बेसिस पे आप लोग अपने लिए भी एक डिसीजन ले सकते हैं अगर कभी आपको कोई क्लाउड स्टोरेज लेनी हो। तो ये कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं जिसका आपको ध्यान देना चाहिए, कौन से टर्म्स का यूज किया जाता है क्लाउड स्टोरेज में, क्या उसका मतलब रहता है, सब आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है स्पीड। स्पीड फॉरेन के लोगों के लिए उतना मैटर नहीं करेगा जितना कि एशियन लोगों के लिए करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो हमारे पास स्पीड कम है, दूसरा हम लोग डेटा सेंटर से बहुत दूर है। यूजुअली क्लाउड स्टोरेज के जो डेटा सेंटर ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं या तो यूएस में या फिर यूरोप में। तो स्पीड हर आपको क्लाउड स्टोरेज की अलग अलग मिलेगी, किसी की ज़्यादा मिलेगी, किसी की कम मिलेगी। तो स्पीड का कैसे पता लगाएं? स्पीड का पता लगाने के लिए यहाँ तो आप लोगों को खुद अपने टेस्ट करने पड़ेंगे, अलग अलग क्लाउड स्टोरेज टेस्ट करके उसमें अपलोड और डाउनलोड करके देखना पड़ेगा, या फिर आप लोग मेरे वीडियोज़ का वेट कर सकते हो, मैं उसमें स्पीड के टेस्ट इंक्लूड करूंगा। सेकेंड जो फैक्टर रहता है वो रहता है सर्वर लोकेशन का, कहाँ पे हमारा डेटा स्टोर रहेगा। यूजुअली बेस्ट ऑप्शन जो रहता है वो रहता है यूरोप का, एशियन के लिए भी और यूएस के लिए भी, यूके के लिए भी, आप लोग कहाँ कहीं से भी हो, यूरोप एक मिडिल मैन की तरह है। यूरोप के प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉज भी अच्छे हैं और वहाँ के सर्वर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अगला ऑप्शन है सिंक। सिंक में एक होता है सिलेक्टिव सिंक, मतलब मैंने कुछ फोल्डर्स सेलेक्ट कर दिए एंड वो जो फोल्डर्स मेरी लोकल कॉपी में है वही सेम फोल्डर्स मेरे वहाँ पर क्लाउड में भी सेव हो जाएंगे। मान लो मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये एक प्रोजेक्ट्स की कॉपी मेरे क्लाउड पे भी बनी रहे एंड उस क्लाउड की कॉपी को मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, तो वो होता है सिलेक्टिव सिंक। मैंने यहाँ से कुछ फोल्डर्स सिलेक्ट कर दिए एंड वो फोल्डर्स मेरे हमेशा क्लाउड पे भी सिंक रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगा वो ऑटोमेटिकली मेरे क्लाउड पे हो जाएगा, मैं क्लाउड पे कुछ चेंजेस करूँगा वो ऑटोमेटिकली मेरी लोकल कॉपी में हो जाएगा, और अगर वो यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया वो क्लाउड स्टोरेज से भी डिलीट हो जाएंगे। तो ये होता है सिलेक्टिव सिंक। नाउ कोई क्लाउड ऑप्शंस हमें सिर्फ एक ही सिंगल सिंक का ऑप्शन देते हैं, मतलब वो लोग एक फोल्डर दे देते हैं, आप उस फोल्डर में जो भी डालोगे वो आपके लोकल हार्ड डिस्क में भी सेव रहेगा और आपके क्लाउड में भी सेव रहेगा, आप खुद से अपना एक फोल्डर सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो सिलेक्टिव सिंक अलग रहता है और सिंक अलग रहता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट ऑप्शन जो रहता है वो रहता है ब्लॉक लेवल सिंक का। ब्लॉक लेवल सिंक मतलब जो आपको स्पीड मिलेगी वो ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे ब्लॉक लेवल सिंक में ऐसा होता है कि जो भी आप लोग चेंजेस करोगे सिर्फ वही चेंजेस अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लार्ज फाइल्स को एडिट कर रहे हो तो ब्लॉक लेवल सिंक का होना आपकी स्पीड को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकता है। अब शेयरिंग की बात करता हूँ, शेयरिंग में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। गूगल ड्राइव सब लोगों ने ऑलमोस्ट यूज़ किया ही होगा, वहाँ पर लिंक शेयरिंग होती है, लेकिन शेयरिंग में और भी बाकी चीज़ें होती है जैसे कि पासवर्ड हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, क्या कोई यूजर अपलोड कर सकता है बिना अपना अकाउंट रजिस्टर करे हुए, क्या वहाँ पे डाउनलोड लिमिट्स को सेट किया जा सकता है, स्टैट्स देख सकते हो आप लोग, और क्या वहाँ पे फोल्डर परमिशन आप लोग दे सकते हो, कोई अपलोड कर सकता है कोई नहीं कर सकता है, कितने लेवल की परमिशन दे सकते हो, कौन कौन से एक्सेस पे देख सकते हो, व्यू ओनली, एडिटर ओनली, ओनर, ये सारी परमिशन आप लोग देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। तो ये शेयरिंग के ऑप्शन हर सर्विस प्रोवाइडर के अलग अलग है, किसी ने कुछ ज़्यादा दे के रखे, किसी ने कुछ कम दे के रखे, तो शेयरिंग आप अपने यूज केस के हिसाब से देख लीजिएगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स मतलब जो जो आपने उस पर फाइल डाली है क्या वो आपके क्लाउड स्टोरेज में प्रिव्यू कर पाता है कि नहीं कर पाता है। जैसे मैंने मान लो एक डॉक्स फाइल डाल दी, तो क्या वो चीज़ मेरे क्लाउड स्टोरेज के ऊपर खुलेगी कि नहीं खुलेगी, या फिर मेरे को अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करना पड़ेगा, पहले मैं उसको डाउनलोड करूँ फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करूँ। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या वो वहाँ पर प्रिव्यू हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपको एडिट करना है तो क्या वो वहाँ पे एडिट हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर मीडिया प्लेबैक कैसा है वहाँ पर, क्या वहाँ पे इमेजेस लोड हो रही है, क्या वो वीडियोस को प्ले कर पा रहा है, क्या वो स्ट्रीम कर पा रहा है, क्या उसमें आपको थंबनेल्स दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेगी एक क्लाउड स्टोरेज लेते समय। फिर आता है उसका यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैसा उसका इंटरफेस है, क्या वो ईजी टू यूज़ है कि नहीं है, क्या उसमें सारे ऑप्शन आपको ईजिली मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो वेब का यूज़र इंटरफेस इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है मोबाइल का यूजर इंटरफेस।
आप लोगों के मोबाइल में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, स्पेशली अगर आप लोग अलग अलग डिवाइसेज पे यूज़ करते हो उसे, एंड्रॉयड पे यूज़ कर रहे हो, iOS पे यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ मैक पे यूज़ कर रहे हो, तो क्या उन सब पे उसके ऐप्स अवेलेबल हैं कि नहीं है और उसकी रेटिंग्स कैसी हैं वहाँ पर। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को देखनी चाहिए वो ये कि साइमल्टेनियसली कितने डिवाइसेस पे उसे यूज़ किया जा सकता है। मान लो मैंने एक क्लाउड स्टोरेज ले ली, वो मैंने यहाँ पे भी डाल के रखी, अपने दोनों मोबाइल में भी डाल के रखी, अपने सारे डिवाइसेस में उसे डाल के रखा है, तो क्या सारे डिवाइसेज में मैं उसे एक साथ यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को देखनी चाहिए अगर आप मल्टीपल डिवाइसेज में यूज़ कर रहे हो तो। अगला ऑप्शन है वर्जनिंग को लेकर के। मान लो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें मैंने दो दिन बाद कुछ चेंजेस कर दिए, फिर तीन दिन बाद फिर कुछ चेंजेस कर दिए, तो वर्जनिंग मतलब क्या मैं अपने पुराने वाले वर्जन पे वापस जा सकता हूँ। बेसिकली अंडू होता ही है कि मैं क्या मैं दो दिन वाले पहले वर्जन पे जा सकता हूँ, क्या मैं एक महीने वाले पहले वर्जन पे जा सकता हूँ। तो वर्जनिंग यूजुअली आपको क्लाउड स्टोरेज में मिलती है, कितने दिनों की मिलती है वो अलग अलग क्लाउड स्टोरेज का अलग अलग रहता है, कुछ लोग एक हफ्ते की देते हैं, कुछ 14 डेज की देते हैं, कुछ एक साल की देते हैं। अगला ऑप्शन है ट्रैश को लेकर के। ट्रैश भी यूजुअली आपको हर क्लाउड स्टोरेज में मिल जाएगा, कितने दिनों का मिलेगा वो हर क्लाउड स्टोरेज का अपना अपना रहता है, कुछ 14 डेज, कुछ 15, कुछ 30, कुछ एक साल तक दे देते हैं। फिर ऑप्शन है सिक्योरिटी को लेकर के। सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन कैसा यूज़ किया गया है, यूजुअली हर पेड क्लाउड स्टोरेज में आपको एक स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन मिलता है 256 बिट का, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, काफ़ी सिक्योर है। फिर आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब अगर मैं किसी नए डिवाइस से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे पास एक SMS आना चाहिए, वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आना चाहिए, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के लिए, तो इसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। फिर आता है हमारे पास सिक्योरिटी से रिलेटेड ही, वो है जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो भी मैंने डेटा अपने सिस्टम से अपलोड किया, अपने अकाउंट से अपलोड किया, जैसे ही वो अपलोड होता है वो इंक्रिप्टेड हो जाता है, उसी इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में वो क्लाउड स्टोरेज के डेटा सेंटर में जाता है और इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही रहता है, उसे कोई भी रीड नहीं कर सकता है, किसी भी हालत में उसे कोई रीड नहीं कर सकता है। अगर उनके डेटा सेंटर के अंदर भी कोई घुस जाए, कोई हैक कर ले उनके सिस्टम, कोई ज़बरदस्ती उनके सर के ऊपर गन रख के बोले मुझे बताओ उस हार्ड डिस्क में क्या है, तो भी उसको कोई रीड नहीं कर सकता है। यही होता है जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन। ये सिर्फ तभी डिक्रिप्ट होगा जब आप अपने पासवर्ड डालोगे और उस फाइल को डाउनलोड करोगे, जैसे ही वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी पूरी फाइल, उसके बाद ही ये डिक्रिप्ट होता है। तो ये एक तरीके से आपको गारंटी प्रोवाइड करा देता है कि आपका पूरा डेटा सेफ है। नाउ यहाँ पे आपको सेफ्टी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ड्रॉबैक्स कैसे होते हैं, मान लो मैंने कुछ इमेजेस अपलोड करी, उन इमेज के थंबनेल्स नहीं दिखेंगे क्योंकि उसे वो लोग रीड नहीं कर सकते, तो बिना रीड करे वो लोग हमें थंबनेल कैसे दिखाएंगे, तो थंबनेल्स आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। आप कोई भी मीडिया को प्लेबैक करने की कोशिश करोगे तो पहले आपको वो पूरी मीडिया डाउनलोड करनी पड़ेगी। मान लो मेरा 100 MB का वीडियो है तो पहले मुझे वो 100 MB का पूरा वीडियो डाउनलोड करना पड़ेगा, उसी के बाद उसकी स्ट्रीमिंग चालू होगी। तीसरा है स्पीड। यहाँ पर स्पीड भी थोड़ी स्लो मिलेगी आप लोगों को कंपेयर टू जो नॉर्मल सर्वर्स होते हैं उससे, तो ये चीज़ अच्छी भी है और थोड़ी बुरी भी है। अब गूगल ड्राइव इसका डेफिनेटली यूज़ नहीं करती है, गूगल ड्राइव मोर टुवर्ड्स कन्वीनियंस। गूगल ड्राइव के लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में बात कर लूँगा। फिर आता है सपोर्ट। नाउ क्लाउड स्टोरेज में आपको यूजुअली 24/7 लाइव चैट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, यूजुअली हर कंपनी आपको एक दो दिन में रिप्लाई कर देती है। जो मेन फैक्टर रहता है वो ये रहता है कि वो लोग कितने नॉलेजेबल हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर वो नॉलेजेबल होते हैं तो यूजुअली आपकी जो एक क्वेरी रहती है उसी में आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं, और अगर उनको नहीं समझ में आता है तो आपकी एक सिंपल क्वेरी भी आपको हफ्ते भर तक रुला सकती है। फिर अगला आता है प्राइवेसी पॉलिसी, कि वो आप लोगों के डेटा के साथ क्या कर रहे हैं। आपको उनकी प्राइवेसी पॉलिसी जाके पढ़नी चाहिए कि क्या क्या वो आपके डेटा के साथ कर रहे हैं। जैसे अगर आप लोग गूगल ड्राइव की पॉलिसी पढ़ोगे तो वो तो प्राइवेसी फ्रेंडली है ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर आपके वीडियो को डाउनलोड करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, उसको रीअपलोड करेंगे, तो यहाँ पर उनको आपसे पूरी परमिशन चाहिए रहती है ये सारे टास्क करने के लिए, थंबनेल्स डालने के लिए। एंड मान लो अगर आप लोग कुछ गूगल ड्राइव में कुछ सर्च भी करते हो तो वो कभी कभार आपके डॉक्यूमेंट के अंदर से भी स्कैन कर लेता है, तो गूगल को ये पूरी परमिशन चाहिए रहती है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सके, आपके जो भी वीडियोस आपने सबमिट करें उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके, उसको मॉडिफाई कर सके। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग कन्वीनियंस के लिए पे कर रहे हो अपनी प्राइवेसी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके। अगेन गूगल ड्राइव के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को प्राइवेसी पॉलिसी हर क्लाउड स्टोरेज की एक बार पढ़नी चाहिए। मैं अपने वीडियो में डेफिनेटली प्राइवेसी पॉलिसी को इंक्लूड करूंगा। फिर आता है प्राइसिंग। कुछ क्लाउड स्टोरेज हमें मंथली के ऑप्शंस देते हैं, कुछ ईयरली के ऑप्शंस देते हैं।
कुछ लाइफ टाइम ऑप्शंस भी दे देते हैं। तो एक बार आप उनकी प्राइसिंग को अच्छी तरीके से समझ लो, देख लो लाइफ टाइम के कोई ऑप्शंस है कि नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम अगर आप लोग उसे लॉन्ग टर्म यूज करने वाले हो तो यूजुअली अगर आप लोग 3-4 साल से ऊपर करोगे तो लाइफ टाइम ऑप्शन वर्थ इट रहता है। अब लाइफ टाइम किन के साथ में जाना है, अगर कोई नई कंपनी आई है तो लाइफ टाइम थोड़ा रिस्की हो सकता है कि वो अगले 4 साल तक सर्वाइव करेंगे भी कि नहीं करेंगे, तो वो थोड़ा एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। फिर आता है एड ऑन्स की, क्या वो आप लोगों को कुछ एड ऑन्स वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी कर रहे हैं कि नहीं। मान लो जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, वो उनके पेड प्लान में इंक्लूडेड नहीं है। फिर जो उनके ट्रैश के ऑप्शन है, वर्जनिंग के ऑप्शन है, अगर आपको वो 30 दिन से 1 साल के लिए चाहिए तो आपको उसके लिए भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो प्राइसिंग में ये सारे फैक्टर्स भी आपको देखने पड़ेंगे। फिर आती है इनकी रिफंड पॉलिसी कि आपने मान लो ले लिया तो क्या आप लोग वहाँ पे रिफंड क्लेम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कितने दिनों में क्लेम कर सकते हो, और क्या नो क्वेश्चंस आस रिफंड पॉलिसी है कि नहीं है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आप लोगों को हेल्प करेंगे एक अच्छी क्लाउड स्टोरेज खुद से चूज करने के लिए। मैं एक डिटेल्ड वीडियो कर दूंगा, इससे भी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूड कर दूंगा। हर क्लाउड स्टोरेज को मैं यूज़ करके देख रहा हूँ, बहुत सारी क्लाउड स्टोरेज को मैंने खुद ने परचेज भी कर लिया है, कुछ अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स भी मैं आप लोग के लिए अरेंज कर रहा हूँ, तो आप लोग उस वीडियो का डेफिनेटली वेट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो थम्सअप भी दे दीजिएगा। सो दैट विल बी ऑल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।